वैक्सीनेशन का स्केड्यूल थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लें। जो टकीला है वो ऑलमोस्ट 3 मंथ का जो है चाव चाव है, बट वैक्सीनेशन इसको पहला शॉट लगा हुआ है, ये इंपोर्ट हुआ है। जो डॉग की वैक्सीनेशन का पहला शॉट होता है 42 डेज पे लोग लगवाते हैं पहला शॉट जो होता है, उसके बाद आपने 21-21 दिन के वक्फे से जो है इसके 4 शॉट्स लगवाने होते हैं। पहला शॉट उसके अंदर प्राइमा और डिस्टेंपर जो होता है पारवो और डिस्टेंपर वायरस को कवर किया जाता है, दूसरे अंदर भी पारवो और डिस्टेंपर वायरस को कवर किया जाता है। जो आगे 2 शॉट्स होते हैं लास्ट, जो लास्ट वाले 2 शॉट्स होते हैं 21-21 डेज़ के इंटरवल वाले, उसके अंदर जो होता है 6 बीमारियाँ होती हैं, प्राइमा, डिस्टेंपर, रेबीज़, लेप्टोस्पायरा, और ये सारी बीमारियाँ इसके अंदर लेप्टोस्पायरा के जो डिफरेंट स्ट्रेन होते हैं, इसके अलावा हेपेटाइटिस वगैरह के इंजेक्शन इसके अंदर कवर होते हैं। ये वैक्सीनेशन लगने के बाद जो पहले 4 शॉट होते हैं शुरू के, वैक्सीनेशन जब कंप्लीट हो जाती हैं फिर हर डॉग को हर साल एक एक इंजेक्शन आपने लगवाना होता है, ये वैक्सीनेशन का इसका कंप्लीट कोर्स होता है। जब तक वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो जाती आपने डॉग को बाहर नहीं लेके जाना होता है, या दूसरे डॉग जो अनवैक्सीनेटेड डॉग्स होते हैं उनके साथ आपने इंटरेक्ट नहीं करवाना होता है। तो बेहतर ये होता है जब भी आप किसी क्लिनिक वगैरह पर जाएँ या जहाँ भी आप जाएँ वहाँ पर कोशिश करें कि टेबल पर इसके ऊपर ना रखें, और कोशिश करें कि वेट को घर पर बुला के वैक्सीनेशन करवा लें, ताकि आपको जो डॉग है किसी तरह के वैक्सीनेशन के दौरान में जर्म से एक्सपोज ना हो जाए। उसके बाद फिर आपका डॉग जब वैक्सीनेटेड हो जाता है तो कंप्लीट वैक्सीनेशन के बाद उसको किसी तरह कोई रिस्क नहीं होता, आप उसको बाहर लेके जा सकते हैं, दूसरे डॉग्स वगैरह साथ इंटरेक्ट करवा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता है। ये सारा वैक्सीनेशन का स्केड्यूल होता है। पाकिस्तान में डिफरेंट वैक्सीन आती हैं डिफरेंट ब्रांड नेम के साथ, उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, हर एक अच्छे रिजल्ट होते हैं। कुछ वैक्सीन बंद हो गई हैं जो पहले आती थी, जैसे जो है यूरिकेन वगैरह वैक्सीन थी, अब बंद हो गई हैं, होपफुली दोबारा आएंगी, बट अभी तक पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट वैक्सीन हैं और सबके रिजल्ट ही ऑलमोस्ट अच्छे हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।